अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं आपको अपने चैनल ब्यूटी बाय जैनी में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आज जो रिव्यू दे रही हूँ वो एक इंस्टेंट फेयरनेस फ्रूट फेशियल किट के बारे में है, जो मैं पहले भी आपको इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इसे किसी मॉडल के फेस पर अप्लाई करके दिखाएँ, तो मैं उसकी फरमाइश पे, ये मॉडल है मेरी, ये तकरीबन इसकी उम्र पूरी 15 साल भी नहीं है, 15 साल से भी 2 माह कम है, इसके फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये फ्रूट फेशियल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये 14 साल से 18 साल तक की बच्चियां कर सकती हैं बगैर किसी डर के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना रैशेज होंगे, ना जलन होगी और ना ही फेस ख़राब होगा। ये क्लिनजिंग है इसकी, परफेक्ट ग्लो मसाज क्रीम इसे हम कहते हैं, जो कि पर्पल ग्रेप्स और वाटर मिलियन से बनी है। बहुत आहिस्ता हाथ से आपने इसका मसाज करना है, क्योंकि इन बच्चियों के फेस बहुत नाजुक होते हैं और इस बच्ची का तो बहुत ही नाजुक है और काफ़ी डल है इसकी स्किन, क्योंकि इसने अब तक कोई भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई नहीं की। हमारे यहाँ वैसे भी बच्चियाँ बिल्कुल भी ये ब्लीच या कोई और चीज़ें अप्लाई अपने फेस पे नहीं करती, सिर्फ यही है जो हम घरेलू रेमडीज़ बताती हैं इन्हें, फेस पैक बताती हैं, ये वही सिर्फ अपनी स्किन पे अप्लाई करती हैं। तो इनके फेस इसने अभी तक कोई घरेलू भी टोटका नहीं किया अपने फेस पे, अप्लाई नहीं किया। ये फर्स्ट बार फ्रूट फेशियल ले रही है, अब देखें ये फेशियल किस हद तक इसका फेस साफ करने में हमारी हेल्प करता है। और ये है इसका स्क्रब, इसका स्क्रब भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ज़र्रे तकरीबन थोड़े मोटे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको मोटे हैं, लेकिन इतने हार्ड नहीं हैं, बहुत जल्द ये ब्लेंड हो जाते हैं आपकी स्किन के साथ। मैं बहुत जल्द अपनी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आपको फ्रूट फेशियल के बारे में बताऊंगी कि आप घरेलू फ्रूट फेशियल कैसे तैयार कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेके आप किस तरह अपने फेस पे अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है और ये जो बाजारी फेशियल हैं इनका भी अच्छा रिज़ल्ट होता है फ्रूट फेशियल, क्योंकि इनमें कोई भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती जो बहुत आपकी स्किन को ख़राब करें। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, और ये फ्रूट फेशियल तो काफ़ी अच्छा है। साशे में मैंने लिया है, ये देखें बहुत सॉफ्ट है इसकी क्लिनजिंग भी, 3 से 5 मिनट ही आपने हर क्लिनजिंग को फेस पे अप्लाई करना है। अब मैं इनके फेस पे यूज़ करूँगी डीप प्योर क्लिनजर, ये हनी और आलमंड ऑयल से बना है। ये ऑल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई हो, ऑयली हो, जो भी स्किन हो या नॉर्मल हो, तीनों स्किन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं आप। हनी और आलमंड ऑयल तो वैसे भी आपकी स्किन को, आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करते हैं और नेचुरल ग्लो देते हैं आपकी स्किन को। आपके तमाम स्किन के
जो भी आपकी स्किन के मसाइल होते हैं तमाम इस फेशियल से ख़त्म होंगे। आप ज़रूर अपनी बच्चियों को यूज़ करवाएं। और अब मैं यूज़ करूँगी इसका फेस पैक, परफेक्ट लो पफिंग फेस पैक है ये। ये हल्दी और नीम के पत्तों से बना हुआ है। ये आपकी स्किन को ब्राइटर, फेयर और ग्लोइंग करता है। ये 15 मिनट आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है और खुशक होने पे आपने उतार देना है बिल्कुल इसी तरह। बल्कि अगर आप चाहें तो 2 से 3 मिनट इसकी क्लिंजिंग भी कर सकते हैं। ये फेस पैक जो आप फेस पे अप्लाई करेंगे इसकी भी आप क्लिंजिंग कर सकते हैं। आमतौर पर हम जब भी यूज़ करते हैं कोई लगा के पैक यूज़ करते हैं तो उसके बाद मास्क लगाते हैं, लेकिन इसका है फेयरनेस क्रीम जो कि पपीता और स्ट्रॉबेरी से बनी हुई है। बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, बहुत अच्छी लुक देगी ये आपके फेस को। आपने इस तरह अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। पपीता जो होता है वो स्किन को लाइट करता है, लाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट है। और जो स्ट्रॉबेरी है वो आपकी स्किन को नेचुरल लुक देती है, मॉइस्चराइज करती है। आप ये तकरीबन हफ्ते में 2 बार ये फेशियल अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने 2-3 रोज़ कबल मैंने खोला था इसे, जो जब मैंने वीडियो बनाई थी तब, लेकिन अब देखें मैं 2-3 मिनट के बाद दोबारा इसे अप्लाई कर रही हूं तो बिल्कुल भी साशे में ये ख़राब नहीं हुआ। आप फ़ौरन पैक करके उसी वक्त इसे बंद करके रख देंगे तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। ये मुकम्मल नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है और इंडिया की प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने मास्क की ये जो क्रीम लगाई है फेयरनेस, इसके भी आपने इसी तरह 2 से 3 मिनट क्लिंजिंग करके फिर से रिमूव करना है अपने फेस से। ये आपकी लूज स्किन को टाइट करती है, बहुत अच्छी इससे आपकी स्किन टाइट होती है। बस अब आपने थोड़ी सी क्लिंजिंग के बाद इसे रिमूव कर देना है। ये आप देख सकते हैं इनके फेस पे किस कदर इनका फेस नीट हो गया है। बहुत स्किन इनकी जो थी वो बहुत रफ थी, बहुत डल थी, अब बहुत हद तक इनका फेस नीट हो गया है। बिल्कुल भी जो ड्राई ब्लैकनेस थी इनके वो ख़त्म हो गई है, ड्राइनेस भी काफ़ी हद तक बेहतर है। ये देखें आप कानों को और फेस का कलर देख सकते हैं डिफरेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।